हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लिए लिया है एक नया अपडेट जो एनसीएस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों एनसीएस क्या है? एनसीएस का फुल फॉर्म नेशनल करियर सर्विस है। एनसीएस एक गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ पर रजिस्टर्ड करने के बाद आप लोगों को एक ऐसा गवर्नमेंट आईडी मिल जाएगा और इस आईडी से आप लोग किसी भी बैंक या बैंक जॉब या प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब किसी भी जॉब आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी इस आईडी को लेना चाहते हो तो कैसे ले पाओगे और कैसे रजिस्टर्ड करना है और इस आईडी से कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, ज़रूर एंड तक देखना। यहाँ पर देखिए आप लोगों को रजिस्टर्ड करने के क्या करना है। रजिस्टर्ड करने के लिए आप लोगों को सिंपली गूगल ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपली सर्च करना है एनसीएस। एनसीएस सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए एनसीएस वाला का जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। आप लोग क्या करना है, पहले आप लोगों को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के यहाँ पर रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। रजिस्टर इस यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर करना है, इसीलिए जॉब सीकर पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर भरना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को पैन कार्ड या यूआईएन नंबर किसके तरफ से आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आधार से पर क्लिक करना है तो आधार से पर क्लिक करें। आधार से पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वोटर आईडी पासपोर्ट, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आधार कार्ड से करूँगा इसलिए यहाँ पर चूज करते हो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर डालना है आपको। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को चेक बटन पर क्लिक करना है। चेक बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर डालना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो फादर्स नेम है आपका, यहाँ पर आपका फादर्स नेम डालना है। यहाँ पर फादर्स नेम डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ईमेल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड यहाँ पर चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यूज़र नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ईमेल और एनसीएस आईडी, अब ईमेल ही आप लोगों को यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर एनसीएस आईडी वो पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एम्प्लॉयड स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, कि इसके लिए यहाँ पर फिगर यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर देखिए, अगर आप इंटरनेशनल जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर येस करना है, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नो करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑक्यूपेशन डालना है। ऑक्यूपेशन फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्सा फिल करना है। कैप्सा फिल करने के बाद यहाँ पर आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ही आप लोगों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है आपको। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो NCS का आईडी है यहाँ पर आईडी शो हो जाएगा, और पासवर्ड आप जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड इस आईडी से आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है देखिए, इस आईडी को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। यहाँ पर आप लोगों को यूज़र नाम डालना है, जो भी यूज़र नाम अभी मिला था वो यूज़र नाम यहाँ पर डालना है आपको। यूज़र नाम डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है आपको। साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को जो नेशनल करियर सर्विस का लॉगिन बटन है वो लॉगिन आपका लॉगिन हो जाएगा, प्रोफाइल का लॉगिन हो जाएगा। वो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जॉब सीकर होम व्यू अपडेट एंड सेस प्रोफाइल, यहाँ पर आप लोग आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट यहाँ पर देखिए वीडियो प्रोफाइल है, सर्च जॉब, आप किसके जॉब सर्च करते हैं। जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पर सर्च जॉब पर क्लिक करना है आपको। सर्च जॉब पर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर देखिए यहाँ पर जॉब का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो भी जॉब के लिए सर्च करना चाहते हो यहाँ पर जॉब का टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। जैसा मैंने सेलेक्ट कर लिया डाटा एंट्री, डाटा एंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया सेलेक्ट लोकेशन में, अगर ऑल इंडिया का जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर ऑल इंडिया का जॉब नहीं करना चाहते हो, सिर्फ स्टेट का जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं ऑल इंडिया का जॉब करना चाहते हो इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको सैलरी भी यहाँ पर मैंशन कर देना चाहिए, मंथली या डेली। इसके बाद यहाँ पर आपको जॉब लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी जॉब है यहाँ पर सभी जॉब यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर HR का जो कॉन्टैक्ट नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग अप्लाई कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है आपको। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल्स भरा था यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू एंड अप्लाई यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई, इसके मतलब आप लोगों को जो अप्लाई है कम्प्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर बंधन बैंक का ये ऑप्शन है, ये बंधन बैंक का जॉब है। यहाँ पर देखिए HR का नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बंधन बैंक के जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है आपको, यानी कि आप कांटेक्ट भी कर सकते हो उस नंबर से। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू एंड अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों को अप्लाई कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे ही आप लोग अप्लाई करना है। सबसे दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपका CV कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। आईडी कार्ड डाउनलोड करने के थ्री डॉट पर क्लिक करना है आपको। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसका डाउन करना है। डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए
सेंस रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सेंस यूज़र नेम, सेंस पासवर्ड, यहाँ पर आपका पासवर्ड और यूज़र नेम भी यहाँ पर सेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए एनसीएस रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुँच जाए।